हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एएलपी में के एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आए हैं उनमें से 20 क्वेश्चन मेरे को मिले हैं जो बच्चों ने ही मेरे पास सेंड किए हैं। तो आप यदि देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? अब आप मुझे अन अकेडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। अन अकेडमी ऐप एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो और उस अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी स्टडी का टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको यहां पे करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ की क्लास देने वाला हूं और कुछ क्लास तो आ चुकी है तो आप वो देख सकते हैं। तो राजेश कुमार नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है डायरेक्ट मुझे फॉलो करने का। तो इस ऐप को अभी डाउनलोड कर लें और मुझे फॉलो कर लें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन के। ये है सेकंड शिफ्ट के 10 अगस्त के क्वेश्चन। मैंने पिछली वीडियो डाली थी तो बोल रहे थे कि कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, एक या दो बच्चों के, कि सर ये हमारे टेस्ट में नहीं आए थे, ये क्वेश्चन गलत हैं। तो ऑल इंडिया में अलग अलग क्वेश्चन हैं, जैसे चंडीगढ़ बोर्ड के क्वेश्चन थोड़े अलग दिए हैं लेकिन क्वेश्चन मैथ होते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत डिफरेंट है लेकिन अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, विटामिन ए शरीर के किस भाग में रहता है, ये क्वेश्चन आज सेकंड शिफ्ट में आया है। हमारी आवाज़ की पिच किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, आप देख सकते हो। उसके बाद एक ईईजी का प्रश्न पूछा गया है जो मस्तिष्क से रिलेटेड होता है और एक बोर्ड में ईईजी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो आप देख लेना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन के आए हैं, 7 क्वेश्चन है वो, और मिरर एंड वाटर इमेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, कल भी आए थे और आज भी आए हैं। उसके बाद दोस्तों, छठा प्रश्न आप देखोगे तो यहाँ पे पूछा गया है भारत, केरल, महाराष्ट्र को वेन डायग्राम में दिखाना है, तो आप वो देख लेना कैसे दिखाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 78 डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में बदलिए, तो दोस्तों कैल्विन के सवाल यानी टेम्परेचर जो डिग्री है इनसे सवाल आ रहे हैं, कल भी आए थे और आज सुबह भी आया था और अब भी आया है। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रघु राम राजन यूएसए की कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं इस टाइम पे। उसके बाद 9:20 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए कैसे बनेगा, तो दोस्तों ये आपको देख लेना कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यूनिट ऑफ कैपेसिटर की यूनिट पूछी गई है, पेपर फोल्डिंग के सवाल ऐड किए गए हैं कुछ। उसके बाद दोस्तों, गोवा के सीएम कौन है पूछा गया, मनोहर पर्रिकर आप देख सकते हैं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है। उसके बाद है उन्नति क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है, तो एसबीआई बैंक से संबंधित है। उसके बाद है दोस्तों, यूरी डैम कहाँ स्थित है, तो यूरी डैम देख लीजिए कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अगले क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, तो दोस्तों ये है अगले क्वेश्चन, वॉलीबॉल टीम कैप्टन कौन है, गुरेंद्र सिंह नाम है इनका। उसके बाद एशिया वुमेन हॉकी कप किसने जीता है, ये क्वेश्चन भी आया है, भारत है इसका उत्तर। इसके बाद है एस अगेंस्ट टेनिस, ये बुक किसने लिखी है, ये सानिया मिर्जा ने लिखी है, यानी कि इसका उत्तर सानिया मिर्जा है, ये क्वेश्चन आज के पेपर में आया हुआ है। उसके बाद अगला है झारखंड के गवर्नर कौन है, तो द्रौपदी झारखंड के गवर्नर हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों एक तो गवर्नर और मुख्यमंत्री से रिलेटेड इस टाइप के और चीफ सेक्रेटरी, ये प्रश्न जरूर आ रहे हैं और यूनिट जरूर आ रही है और दोस्तों क्या था कैल्विन से रिलेटेड सवाल जरूर आए हैं। तो दोस्तों आप इन चीज़ों को एक बार ध्यान जरूर कर लीजिए यदि आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अन अकेडमी ऐप पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, राजेश कुमार नाम सर्च करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको डायरेक्ट वहां पे मुझे फॉलो करने का लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो आपने यहां तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान के रहे आपका दिन शुभ रहे।